हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग इंगेस 103। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। सो कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स दैट एंटिटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेम पर्सन, मीन्स पेरेंट एंटिटी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। Like in business combination, one entity acquires a business of other entity, but control over acquiry is before and after is same. It means parent company already has control of acquiring company and now it acquires a business of acquiring company. It means after business combination also there will be control of acquirer. So it means common control means entities are controlled by same parent entity, both before and after business combination. So let us see how it is possible. So it includes a transfer of subsidiaries or businesses between group entities. So this type of control hoga aapka common control ye possible hoga through group entities. So it means jaise aapki ye subsidiary companies hain unko aap transfer kar rahe hain within group mein, so that is called our common control business combination. तो आप देखिए ग्रुप एंटिटीज में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं। ग्रुप एंटिटीज इंक्लूड पेरेंट सब्सिडरीज, वैल्यू सब्सिडरीज और सब सब्सिडरीज। तो उसमें देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जिससे आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन राइज होता है थ्रू कॉमन कंट्रोल। तो जैसे कि आपको कहा जाएगी टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। तो फर्स्ट लेट अस सी, नंबर वन इज सिंपल केस है आपका मर्जर ऑफ सब्सिडरी विद पेरेंट। सब्सिडरी कंपनी जो है वो मर्ज हो जाती है विद पेरेंट कंपनी। तो अब देखिए सब्सिडरी के ऊपर पहले से ही कंट्रोल है पेरेंट का, और आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन आल्सो पेरेंट विल हैव कंट्रोल ओवर ए सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल आप देखिए कोई ए की एक सब्सिडरी है बी, जिसमें ए के पास है 80% इक्विटी। तो इट मीन्स बी इज कंट्रोल्ड बाई ए बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब ए ने बी का बिजनेस भी एक्वायर कर लिया है, इट मीन दोनों को मर्ज कर दिया है आपने। इट मीन्स नाउ अगेन आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन आल्सो ए हैज कंट्रोल ओवर बी। तो दिस इज केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। तो सेकंड केस देखिए, सेकंड है आपका एक्विजिशन बिटवीन फेलो सब्सिडरीज। एक मीन्स अब एक पेरेंट कंपनी है ए, उसकी दो सब्सिडरीज हैं बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल ए के पास बी के है 80% इक्विटी और सी की है 60%। तो दे आर फेलो सब्सिडरीज। अब एक फेलो सब्सिडरी ने दूसरी फेलो सब्सिडरी का बिजनेस एक्वायर कर लिया है, जैसे या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन। बट या सपोज बी ने सी को एक्वायर किया है या सी ने बी को, तो बी के ऊपर और सी के ऊपर पहले से ए का कंट्रोल है। तो जब ये मर्ज हो जाएंगे दोनों, अगेन ए विल हैव कंट्रोल ओवर बी सी। तो इट मीन्स जैसे या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। तो इट मीन्स या को पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है या दो सब्सिडरीज हैं जो उन दोनों ने एक दूसरे को एक्वायर किया है। थर्ड पॉसिबिलिटी है एक्विजिशन ऑफ सब सब्सिडरी। अब देखिए ए है एक पेरेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी है बी, उसमें 80% इक्विटी है ए के पास। बी की एक और सब्सिडरी है सी, जिसमें बी के पास है 60% इक्विटी। तो उसको हम कहते हैं जैसे चेन होल्डिंग होती है, तो बी जो है वो ए की सब्सिडरी है, सी जो है वो बी की सब्सिडरी है। तो हम कहते हैं सी इज सब सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी है आपकी पेरेंट कंपनी। अब ये जो पेरेंट कंपनी है इसने सब सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया है, इट मीन ए कंपनी एक्वायर से सी। तो सी पहले भी कंट्रोल में थी ए के, अब भी कंट्रोल में रहेगी ए के। इट मीन जिस या सो बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। तो फोर्थ पॉसिबिलिटी है आपकी मर्जर ऑफ फेलो सब्सिडरीज। अब दो फेलो सब्सिडरीज हैं वो मर्ज होकर एक नई कंपनी बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की सब्सिडरी है बी 80% इक्विटी, ए की सब्सिडरी है सी 60% इक्विटी। एक में बी और सी जो हैं दे आर फेलो सब्सिडरीज। अब ये दोनों मर्ज हो गई हैं, उन्होंने बना लिया एक नई कंपनी बी सी लिमिटेड, न्यू एंटिटी। तो इट मीन्स अब बी सी के पास जो इसमें जो शेयर्स होंगे दैट विल गो टू ए, ए का कंट्रोल हो जाएगा। पहले भी बी और सी का के ऊपर कंट्रोल था ए का, अगेन ए हैज कंट्रोल ओवर बी सी लिमिटेड। क्योंकि बी और सी के जो शेयर्स हैं किसको मिलेंगे, बी और सी को शेयर होल्डर को मिलेंगे। बी सी का शेयर होल्डर है ए, जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, उसको भी शेयर मिल जाएंगे। लेकिन ए विल हैव कंट्रोल ऑन बी सी बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल।
because A gets the shares of BC Limited. So fifth type of common control is the merger of two existing companies into a new company. So in this case, there are two existing companies like A and B. So they merge together and make a new company, which is C Limited. It means C acquires control of A and B. But in this case, now C will issue shares to A and B shareholders. So we can say that but the shareholders are same. It means they were controlling A and B and now they control C. So shareholders same hai, pehle unke paas control tha A or B ka, and now they have control of C. It means this is business combination under common control. Unke pehle bhi control unhi shareholders ke paas tha aur after combination also they have control of C Limited. Then we have sixth type of common control transaction is external reconstruction. So in this case what happens, there is one existing company. So it will be taken over by a new company. जैसे कि एक कंपनी है तो ये लिक्विडेट हो जाती है और इसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया है एक नई कंपनी ने. बट शेयर होल्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी ये गेट द शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी. अब जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स मिल जाएंगे न्यू कंपनी के. इट मीन्स सेम शेयर होल्डर जो हैं सेम पर्सन दे कंट्रोल बोथ द कंपनीज बोथ बिफोर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन. तो उन्हीं शेयर होल्डर के पास देखो पहले कंट्रोल था एग्जिस्टिंग कंपनी का, अब उनके पास कंट्रोल आ गया नई कंपनी का. इट मीन्स पर्सन आर सेम. सो दिस इज आल्सो बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल. तो सेवंथ टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल इज डी मर्जर. तो डी मर्जर में क्या है, वन कंपनी है जो टू और मोर डिविजन्स है. जैसे कंपनी है उसके कुछ डिफरेंट डिविजन्स हैं सेगमेंट्स हैं एंड वन डिवीजन एक ट्रांसफर टू ए न्यू कंपनी और उसने अपना एक डिवीजन जो है वो ट्रांसफर कर दिया नई कंपनी को. अब इट मीन्स अब जो नई कंपनी है वो शेयर इशू कर देगी जो पुरानी कंपनी है जिसका डिवीजन आपने एक्वायर किया है. सो वी कैन से एग्जिस्टिंग कंपनी गेट्स शेयर इन न्यू कंपनी. सो वी कैन से जैसे एग्जिस्टिंग कंपनी है कंट्रोल ऑफ डिवीजन बोथ बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो ये जो डिवीजन आपने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर जो कंट्रोल था पहले भी उसी कंपनी का था, अब उसको शेयर्स मिल गए हैं उस नई कंपनी में. इट मीन्स अगेन इट हैज कंट्रोल ओवर द डिवीजन. सो दिस इज आल्सो बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल. अब इस केस में जो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल है इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो इसका रूल दिया गया है एज पर अपेंडिक्स सी. तो उसमें हम अप्लाई करके हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. So let us see how accounting will be done in case of a business combination under common control through pooling of interest method. So we are saying that we have to apply pooling of interest method. So let us see what will be accounting entries in the books of acquirer. So first of all, acquisition of net assets at book value. Acquirer will get business of acquiry. It means net assets are acquired. So जो भी net assets हैं उनको आपने recognize करना है book value के ऊपर. It means net assets of acquiring company are recognized by acquirer as book value only. So that is in a consolidated financial statements. So second is our no new asset or liability recognized. Sirf apne wahi assets recognize karni hai jo balance sheet mein pehle se appear ho rahi hai. It means koi bhi nayi liability hum recognize nahi karenge is case mein. For example, if there is any contingent liability of acquiring. तो नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है उसको हम रिकॉग्नाइज करके फेयर वैल्यू पर. बट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जिसमें कॉमन कंट्रोल है आपका, तो दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय एक्वायरर. इसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर. सो थर्ड इज रिजर्व एंड सरप्लस अदर इक्विटी ऑफ एक्वायरी. तो इस केस में हम रिजर्व एंड सरप्लस इज आल्सो टेकन ओवर. मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ अक्वायरी इज ऑल्सो टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. इट मीन्स आपने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर करनी है एंड इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. इट मीन्स जब आप इसका डिफरेंट देखेंगे क्या रह जाएगा, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू पेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली. फिर आता है आपका कंसीडरेशन जो आपने पे करना है, इसको मेजर करेंगे हम एट फेयर वैल्यू. इट मीन्स कॉन्सिग्रेशन आप पे कर सकते हैं कैश में या शेयर्स आप इशू कर सकते हैं और एनी अगर एसेट्स में भी ट्रांसफर करो, बट इट विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. तो अब आपने एसेट्स एक्वायर कर ली नेट एसेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस,
उसको कंपेयर करके जो कॉन्फ़िगरेशन आपने पे किया है, तो इट मीन्स उसके लिए जो डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल गियर में। फर्दर पॉइंट आते हैं, अब जो आपने शेयर इशू करने हैं तो वैसे को आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे मेजर किया है अपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पर जब आप इशू करेंगे शेयर बाय एक्वायरर उसको रिकॉग्नाइज करना है अपने फेस वैल्यू के ऊपर। इट मीन्स इशू ऑफ शेयर बाय एक्वायरर विल बी रिकॉग्नाइज एट योर फेस वैल्यू ओनली। और जो डिफरेंस है आपका इन कॉन्सिग्रेशन एंड नेट एसेट्स में, आपके नेट एसेट्स किसके बराबर की आपकी पेकअप इक्विटी, पेकअप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल ओनली, और जो डिफरेंस आएगा वो आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। और कई बार होता है जो कैपिटल रिजर्व है उसको आप दूसरे जो रिजर्व हैं जनरल रिजर्व या पी एंड एल उसमें एडजस्ट कर सकते हैं जो उसका ग्रेविक बैलेंस है, बट फिर भी एक ग्रेविक बैलेंस रह जाता है कैपिटल रिजर्व में, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ग्रेविक बैलेंस हो कैपिटल रिजर्व उसको आपने ट्रांसफर करना है अमलगामेशन एडजस्टमेंट डेफिशिट अकाउंट में। तो ये रिजर्विंग सरप्लस की आपकी नेगेटिव आइटम मानी जाएगी अंडर हेडिंग रिजर्विंग सरप्लस। फिर आता है कि जब आपकी ये एक्विजिशन हो गई है थ्रू कॉमन कंट्रोल पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आपने अप्लाई कर लिया है, तो उस केस में क्या होता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं इवन जो प्रायर पीरियड के बैलेंस शीट बना रहे हैं उसको भी हम रीस्टेट करते हैं, जिसी कहा कि रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड से, जैसे आप करंट ईयर की बना रहे हैं बैलेंस शीट, एक प्रीवियस ईयर की भी बनाएंगे, एक उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी होती है प्रीवियस ईयर की, तो उसको आपने रीस्टेट कर देना है अज्यूमिंग एट बिजनेस कॉम्बिनेशन अकर्ड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट पॉइंट आपको चेक करना है कि ये जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैच अप्लाई हो रहे हैं ये कब अप्लाई होता है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है अंडर कॉमन कंट्रोल। ये तो रखे कॉमन कंट्रोल जो है आपका वो सिर्फ टेम्परेरी है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी कंट्रोल। तो उस केस में एक मीन्स कॉमन कंट्रोल इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उस केस में फिर आपका पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैच जो है वो अप्लाई नहीं होगा। देखिए आपका जो ट्रांजिटरी कंट्रोल है एक मीन्स कॉमन कंट्रोल आपका परमानेंट होना चाहिए, ओनली कैन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैच लीजिए एप्लीकेबल है। तो कुछ एग्जांपल करके हैं उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन एग्जांपल नंबर वन, इसमें ये आपको डेटा मेंशन किया है एंटिटी ए ओन से 100% इक्विटी शेयर ऑफ एंटिटी बी सिंस 1 अप्रैल 2021। एंटिटी ए अरेंजी लोन फंडिंग फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ए न्यूली होली ओन सब्सिडियरी एंटिटी सी। द लोन इज यूज बाई एंटिटी सी टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग इन एंटिटी बी फॉर कैश कंसीडरेशन रुपीज 2 लाख। एंटिटी ए अप्लाइज इन AS 103 टू अकाउंट फॉर कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन एंड एंटिटी सी विल अडॉप्ट द सेम पॉलिसी। फेयर वैल्यू नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स इज रुपीज 1,50,000 एंड कैरिंग वैल्यू नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स इज रुपीज 1 लाख। हाउ विल एंटिटी सी अप्लाई एक्विजिशन अकाउंटिंग इन एक्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको देखो सबसे पहले आपको मेंशन किया है एंटिटी ए के पास 100% इक्विटी है एंटिटी बी की, तो वन एक एंटिटी ए तो एक है जो 100% इक्विटी ऑफ एंटिटी बी। एंटिटी ए अरेंजी लोन फंडिंग फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ए न्यूली होली ओन्ड सब्सिडियरी एंटिटी सी, और इसकी एक एंटिटी ए की जो है एंटिटी सी है जिस इज ऑल्सो होली ओन की सब्सिडरी। इट मीन एंटिटी ए ऑल्सो हैज 100% की इक्विटी ऑफ एंटिटी सी। नाउ एंटिटी ए हैज अरेंज लोन फॉर दिस एंटिटी सी, इट मीन्स एंटिटी सी लोन हैज टेकन बाय दिस एंटिटी, वो ए ने अरेंज किया है लोन फॉर एंटिटी सी, तो इट मीन्स एंटिटी सी ने लोन अरेंज कर लिया है, इट हैज बीन टेकन। Now this loan is used by entity C to acquire equity of entity B. So it is given that the loan is used by entity C to acquire 100% shareholding in entity B. Or C ne acquire kar liye, so C entity acquires 100% equity of entity B. Us case mein kaise babu, jo entity B hai jise under control of entity A, aur C jo hai jise also under control of A. अब आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन व्हाट विल हैपन, सो ए विल हैव कंट्रोल ऑफ सी एंड सी विल हैव कंट्रोल ऑफ बी, इट मीन्स बी विल बिकम सब सब्सिडियरी ऑफ ए, तो बी के ऊपर कंट्रोल पहले भी है ए का और आफ्टर कॉम्बिनेशन भी है, तो किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, सो वी विल अप्लाई पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब आपको देखो क्या क्या टर्म्स दिए हैं, कॉन्सिडरेशन दिया है आपको,
सी ने जो लोन अरेंज किया है किसी रुपये की कुल एक्स और इसका कंसिडरेशन है रुपये की कुल एक्स, तो ये आपने पे कर लिया है बी को टू एक्वायर 100% कंट्रोल ऑफ बी। फिर आपको लिया है जो कोई एंटिटी ए अप्लाई जिसमें एंड नेट एसेट्स भी हैं अब आपको 150 फेयर वैल्यू और जो बुक वैल्यू है 1 लाख है। अब जो एंटिटी बी है, एंटिटी बी की आपको मेंशन की है नेट एसेट्स, उसकी आपको फेयर वैल्यू भी मेंशन की है 150,000 है और जो बुक वैल्यू है किसी आल्सो गिवन किसी 1 लाख। अब आप देखें एंटिटी सी की बुक्स में आपको एंट्रीज करनी है बुक्स ऑफ एंटिटी सी, क्योंकि इस केस में एंटिटी सी जो है वो एक्वायरर है, उसने लोन अरेंज कर लिया है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे हम। अब जब उसने बिजनेस एक्वायर कर लिया या कंट्रोल एक्वायर कर लिया एंटिटी बी का, तो व्हाट विल हैपन, नेट एंटिटी वेबल एसेट्स अकाउंट डेबिटेड फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। नेट एसेट्स आप रिकॉग्नाइज कीजिए बुक वैल्यू के ऊपर, बुक किसी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाई होगा, कॉन्सिग्रेशन की फेयर वैल्यू है आपकी रुपये की 2 लाख और कुछ डिफरेंस है वो आपका कैप्चर ईयर में डेबिट हो जाएगा डेटली 1 लाख। कॉन्सिग्रेशन की आप पेमेंट कर लीजिए, ये हम कैश में पे कर रहे हैं, एंड की बन जाएगी कॉन्सिग्रेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में रुपये की 2 लाख। बस कॉमन कंट्रोल में आपको ध्यान रखना है फेयर वैल्यू जो एसेट्स की वो कंसीडर नहीं करेंगे हम, बुक वैल्यू ही कंसीडर करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर होगा, चाहे वो डेबिट है या वो क्रेडिट है। तो नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसमें जो मेंशन किया है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर प्रोप्राइटरी कंपनी से ग्रेटर फुली ओन्ड बाय द सेम पेरेंट एंटिटी। सो ए बी लिमिटेड तो आपको मेंशन किया है कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दो कंपनीज हैं एंड सो दे आर सो फुली ओन्ड बाय सेम पेरेंट एंटिटी विच इज ए बी लिमिटेड। फुली ओन्ड मीन्स ए बी हैज 100% इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड एंड 100% इक्विटी ऑफ दिस बी लिमिटेड। नाउ इट इज गिवन ए लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। अब जो ए है उसने एक्वायर कर लिए हैं ऑल शेयर्स, सो ए लिमिटेड एक्वायर्स 100% इक्विटी ऑफ बी, तो ए ने एक्वायर कर लिए हैं शेयर्स बी के। तो आप देखेंगे जो ए बी है उसका कंट्रोल है ए लिमिटेड और बी के ऊपर, इट मीन्स ए एंड बी आर फेलो सब्सिडरी से, तो वन सब्सिडरी एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ अगर सब्सिडरी, ये कि दोनों सब्सिडरीज हैं वो पहले कंट्रोल में हैं अंडर ए बी लिमिटेड, आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन आल्सो दे विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ ए बी लिमिटेड। सो इट मीन्स किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। सो देयर आस्किंग दैट दिस ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय एक्विजिशन अकाउंटिंग, सो वी विल से दैट यस किसी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, सो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड विल बी एप्लीकेबल, किसी नॉट एक्विजिशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल राजर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर देयर अकाउंटिंग, बिकॉज इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। तो नेक्स्ट लगे एग्जाम्पल नंबर 3, सो इन दिस केस इट इज गिवन ए लिमिटेड हैज 60% इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड एंड 100% ऑफ सी लिमिटेड। बी लिमिटेड ऑपरेट्स 60 बस सर्विसेज, बी लिमिटेड हैज नाउ एक्वायर्ड फॉर कैश ऑल द वोटिंग शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड द रीजनल बस ऑपरेटर फ्रॉम ए लिमिटेड, दिस इज बी लिमिटेड जो फर्स्ट एक्विजिशन है, सो डिटरमिन इफ इट इज कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन और नोट। देखो आपको मेंशन किया है ए के पास है 60% इक्विटी बी की, 100% है सी की, तो फर्स्ट लेके सी जिसमें ए लिमिटेड हैज इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड 60% एंड ऑफ सी लिमिटेड दिस इज 100%, तो इट मीन्स ए हैज कंट्रोल ओवर बोथ बी एंड सी, सो बी एंड सी आर फेलो सब्सिडरीज। एंड नाउ इट इज गिवन बी लिमिटेड ऑपरेट्स सिटी बस सर्विस, तो जो बी लिमिटेड है ये ऑपरेट कर रही है बस सर्विस, एंड देन इट इज गिवन दैट बी लिमिटेड हैज नाउ अक्वायर्ड फॉर कैश ऑल द वोटिंग शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड एंड द ओरिजिनल बस ऑपरेटर। अब जो बस ऑपरेटर है वो है सी लिमिटेड, ये बस ऑपरेटर है। अब जो बी ने अक्वायर कर लिए ऑल शेयर्स, नाउ इट इज गिवन बी अक्वायर्स सो ऑल शेयर्स ऑफ सी,
और ये जो उसने एक्वायर कर लिए हैं, अब ये शेयर किसके पास है, दीज आर हेल्ड बाय ए, तो ये इसने एक्वायर कर लिए हैं फ्रॉम ए लिमिटेड, ए से एक्वायर कर लिए हैं, मीन जो कंट्रोल था वो पहले ए के पास था, अब वो बी के पास आ जाएगा, बट बी ज्यादा कंट्रोल ऑफ ए, इट मीन्स अब ये सिचुएशन बन जाएगी आपकी आफ्टर बिजनेस फॉर्मिनेशन, ए हैज 60% इक्विटी ऑफ बी एंड बी हैज नाउ 100% इक्विटी, इट मीन नाउ सी विल बिकम सबसिडियरी, इट मीन्स तो जो आप देखेंगे सी पहले भी ए के कंट्रोल में थी, अगेन आफ्टर बिजनेस फॉर्मिनेशन आल्सो इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए. Now here asking whether this transaction is a business combination under common control. Yes, we will say that to yes, it is a business combination under common control. उसका रीजन है पहले जो सी की वो 100% सब्सिडरी थी ए की, अब जो सी है वो बन गई है सब सब्सिडरी ऑफ ए, इट मीन्स स्टिल सी इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन. तो नेक्स्ट लेट इज एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, इसमें मेंशन किया है टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी ओन कॉम्पीटिंग क्लोज बिजनेस कंपनी से ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. इसमें देखिए दो इंडिविजुअल्स हैं, एक ए है और एक बी है, और उनके पास दो कंपनीज हैं ए लिमिटेड एंड बी है जो बी लिमिटेड, कॉम्पीटिंग क्लोज बिजनेस कंपनीज ए एंड बी. अब ये जो दोनों कंपनीज हैं ए और बी में, ये क्लोज के बिजनेस में हैं. सो ए एग्री टू अक्वायर बी बिजनेस बाय अक्वायरिंग ऑल ऑफ बी जो वोटिंग शेयर्स इन हिज ओन सो नेम इन एक्सचेंज फॉर 40% ऑफ हिज शेयर्स इन कंपनी ए. अब ए ने एग्री किया है टू अक्वायर बी बिजनेस बाय अक्वायरिंग ऑल ऑफ कंपनी बी वोटिंग शेयर्स, इट मीन्स अब ए ने अक्वायर कर लिए ऑल शेयर्स, ए अक्वायर से सो 100% शेयर्स ऑफ बी, तो ए जो इंडिविजुअल है एंड जो फॉर दिस पर्पज ऑल शेयर्स इन हिज ओन नेम इन एक्सचेंज फॉर 40% ऑफ हिज शेयर्स इन कंपनी ए, और उसके बदले में उसने जो 40% शेयर्स हैं वो उसको ट्रांसफ़र कर गई है, एंड जो ट्रांसफर जो 40% शेयर्स 40% शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, मीन जो वो ए ने क्या किया है बी के 100% शेयर्स एक्वायर कर लिए, और उसके बदले में उसने ए लिमिटेड जो उसी कंपनी के उसके 40% शेयर जो है बी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं. एंड टू मंथ्स आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन है ए ट्रांसफ़र कंपनी बी टू कंपनी ए, और 2 महीने के बाद जो ए ने ट्रांसफ़र कर लिया है कंपनी बी टू कंपनी ए, तो इट मीन्स लेटर ऑन ए है ट्रांसफ़र दिस कंपनी टू दिस कंपनी. सो दे आर आस्किंग नाउ डिटरमिन इफ कॉमन कंट्रोल इज ट्रांजिटरी और नॉट. तो आपने देखना है क्या ये कॉमन कंट्रोल आपका परमानेंट है या फिर ट्रांजिटरी है. इसमें आप देखिए इसमें पहले देखो ए एक्वायर से ए ने एक्वायर किया है कंट्रोल, ए एक्वायर से कंट्रोल ऑफ बी लिमिटेड जिसे जो बिफोर 2 मंथ्स एंड आफ्टर 2 मंथ्स अब उसने बी के जो सारा कंट्रोल था वो ए लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिया है आफ्टर 2 मंथ्स. सो ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड, इट मीन ये जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन एक वेरी शॉर्ट पीरियड, इट मीन इसमें एक इंटेंशन ये थी कि पहले उसने कंट्रोल एक्वायर किया बी का, फिर बाद में हमने उसको फिर ए लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर देना है, ए लिमिटेड की याद रिगेन कंट्रोल ऑफ ए, सो गैट इट बिकम बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, बट दिस इज अ ट्रांजिटरी कंट्रोल जिस इज नॉट परमानेंट. तो उसमें एक ही इंटेंशन एक ही कि इसको हमने शो करना है एज बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, तो वो भी सही कहकर इट इज ट्रांजिटरी कंट्रोल, ट्रांजिटरी कॉमन कंट्रोल. तो देखिए क्योंकि पहले ए ने एक्वायर किया बी का कंट्रोल, बाद में उसने और ए लिमिटेड के ऊपर पहले से इसका कंट्रोल है, अब आपने बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया ए को, सो कहकर ए गेट्स कंट्रोल ऑफ बी लिमिटेड आल्सो थ्रू ए लिमिटेड. तो इसमें किसी के कॉन्सेप्ट को कॉमन कंट्रोल बट किसी ट्रांजिटरी कंट्रोल किसी लोग परमानेंट कंट्रोल. सो देयर फॉर व्हेन इट इज ट्रांजिटरी कंट्रोल सो वी कैन से दैट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. पर क्या टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.